मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट 1 BHK का सलमान खान का घर आजकल पूरे मीडिया के लिए सुर्खियों का सब्जेक्ट बना हुआ है। जब से उनके घर के बाहर राउंड फायरिंग हुई है, तब से उनकी जान माल को खतरा मानकर पूरे फैंस इकट्ठा हो रहे हैं पूरे देश भर से। सिर्फ फैंस इकट्ठे नहीं हो रहे बल्कि मीडिया के लोग, पॉलिटिक्स के लोग भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं और कमिश्नर से लेकर क्राइम ब्रांच वाले भी सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर काम कर रहा है, लेकिन सलमान खान के परिवार का जो अंदर का पूरा सिस्टम है हिला हुआ है। सलमान खान इस पूरे मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, फिर भी जो उनके करीबी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं सलमान खान की मनोबल स्थिति क्या है और सलमान खान आखिर इस पूरे मामले में किस तरह का रिएक्शन रखते हैं। गोलीबारी के बाद सलमान खान का सीधा कहना है, जो जब होना होगा तब होगा, लेकिन उन्हें अपने परिवार की चिंता बहुत है। एक्चुअली सलमान खान के करीबी का कहना है कि भाई को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सलीम अंकल ने सुझाव दिया है कि वो अपना घर छोड़कर किसी बेहतर जगह शिफ्ट हो जाएं। इस परिवार के हम साथ साथ हैं वाले रूल की सबसे अच्छी बात है, ये लोग अपना डर अंदर रखते हैं, बाहर दिखाते नहीं है। बाहरी तौर पर सलीम खान अभी बहुत शांत है, लेकिन पूरा परिवार जानता है कि धमकियों की वजह से पूरा परिवार रात भर सो नहीं पा रहा है। सलमान खान को लगता है जितना वो धमकी देने वाले को अटेंशन देंगे, उतना ही वो लोगों को लगेगा वो कामयाब हो गए हैं। इसलिए सलमान खान इस पूरे मामले में स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं। उसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि जिस तरह सिद्धू मूसेवाला ने खुलेआम धमकी का जवाब दिया था, पब्लिक को टीच किया था, इस तरह सलमान खान भी अगर खुलेआम रिएक्शन देते हैं तब हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई या कोई दूसरा गैंगस्टर उन पर दोबारा अटैक करे। इसलिए सलमान खान पीस वाली पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान की सुरक्षा के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इस पूरे वारदात में शामिल थे अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मामला बहुत दूर की कौड़ी का लगता है। सलमान खान को इस पूरे मामले में कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर आजकल यही डिबेट छिड़ी हुई है, जब सलमान खान घर इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुका है, सुरक्षा इतनी कमजोर है, क्यों ना वो गैलेक्सी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। लेकिन मामला ये, गैलेक्सी छोड़ने के बाद वो फार्म हाउस भले चले जाएं, पर शूटिंग के लिए पब्लिक प्लेस में तो जाएंगे, एयरपोर्ट के बाहर, थिएटर के बाहर, जिम के बाहर तो जाना ही पड़ेगा और फैंस से मिलना भी पड़ेगा। ऐसे में तो गैंगस्टर कहीं ना कहीं उनकी घात लगा लेंगे। अब सलमान खान अपनी चिंता करें या परिवार की, दूसरी बात है, लेकिन हाँ, इस बार पूरा मामला सीरियसली दिखाई दे रहा है। जब प्रदेश का CM भी सलमान खान के साथ खड़ा हो तब थोड़ी राहत महसूस होती है। इसके बावजूद इस देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर अटैक हुआ है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर पाता। ऐसे में सलमान खान की चिंता उनके फैंस के लिए बहुत ही सीरियस सबब का सब्जेक्ट बन चुकी है। देखते हैं इस पूरे मामले में सलमान खान किस तरह का स्टेप उठाते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़कर कहीं शिफ्ट होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, या फिर खुलेआम इस पूरे माजरे का, इस पूरे मामले का सामना करते हैं।